नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अश्वनी और आप देख रहे हैं हमारा आंगनबाड़ी न्यूज़ चैनल। आप सभी आशा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का हमारे आंगनबाड़ी न्यूज़ चैनल में स्वागत है। आइए, हमें जो खबर लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश से खबर निकल कर आ रही है। जैसा कि चुनाव से पहले उप मुख्यमंत्री द्वारा घोषणा किया गया था, उस घोषणा पत्र को भी हम दिखाएंगे। उसमें जो वादा किए थे वो परमानेंट करने के लिए, मानदेय में वृद्धि करने के लिए, उन सब लेटर को भी हम दिखाएंगे। आइए देखते हैं इसको विस्तार से है क्या। इसमें 2 दिन पूर्व जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने आंगनवाड़ी केंद्रों को सामाजिक व्यवस्था की नींव बताया था, ये कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी आंगनवाड़ी को योद्धा मैया जैसे शब्दों से नवाजा था, लेकिन योगी जी ने सिर्फ मीडिया और न्यूज चैनलों पर ही आंगनवाड़ी को सम्मान किया। हकीकत कुछ और ही है। इसकी शुरुआत होती है 2017 के चुनाव से पूर्व, जब उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अपने लेटर पैड पर आंगनवाड़ी वर्करों को लिखित में दिया था कि आप हमें जिताओ, हम आपके मानदेय को सम्मानजनक बढ़ाएंगे व शर्तें में सुधार करेंगे। उसके बाद बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में 120 दिन में कमेटी बनाकर मानदेय और सेवा शर्तों में सुधार की घोषणा पत्र भी जारी कर दिया। इससे आंगनबाड़ी में आशा की उम्मीद जगी और सभी ने खुश होकर बीजेपी के पक्ष में मतदान किया। उसके बाद 2017 से 18 तक आते आते न कोई कमेटी बनी और न ही कोई सुधार हुआ। फरवरी 2018 में मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में 1500 रुपये प्रोत्साहन राशि की घोषणा के लिए 4.5 साल बीत जाने के बाद भी स्थिति जस की तस बनी रही। आंगनवाड़ी का न कोई मानदेय बढ़ा और न ही किसी समस्याओं का समाधान हुआ। अगर कुछ बढ़ा हुआ तो सरकार ने लगभग सभी विभागों का काम आंगनवाड़ियों पर थोप दिया। जैसा कि बताया जा रहा है कि सरकार द्वारा कुछ न किया गया, लेकिन सारे विभाग का काम आंगनवाड़ियों पर थोप दिया गया है। लेकिन अब आंगनवाड़ी आक्रोशित हो चुकी हैं और अलग अलग जिले में बगावत और विरोध का चिंगारी निकाल रही हैं। इसी क्रम में पिछले दो दिनों में कई जिले में धरने प्रदर्शन किए गए हैं। आइए हम आपको उस लेटर पैड को भी दिखाते हैं जो उप मुख्यमंत्री जी द्वारा जारी किया गया था। जैसा कि इसमें लिखा गया है, नमस्कार, आप गांव की विपरीत परिस्थितियों में रहकर देश की उन्नति के लिए महत्वपूर्ण कार्य कर रही हैं। हम जानते हैं ग्रामीण स्वास्थ्य के क्षेत्र में आपका कार्य एवं सेवा महत्वपूर्ण कड़ी है। अभी जिस प्रकार की विसंगतियां हैं, उन विसंगतियों को समाप्त करके ही हम आपकी भूमिका को बढ़ा सकते हैं। प्रदेश में आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों, आंगनवाड़ी सहायिकाओं व आशा बहनों के मानदेय में वृद्धि एवं सेवा शर्तों में सुधार की अति आवश्यक है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो लोक संकल्प, कल्याण पत्र, घोषणा पत्र, विधानसभा चुनाव 2017 में दिए हुए वादे के अनुसार एक समिति का गठन कर 120 दिनों में उसकी रिपोर्ट के आधार पर आपके मानदेय में नियोजित वृद्धि की जाएगी। जैसा कि बताया जा रहा है कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो मैं 120 दिन के अंदर समिति का गठन करके आपके मानदेय में वृद्धि करेंगे। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। जो बीतने को 4.5 साल बीत गए, लेकिन इस तरह का काम नहीं किया गया हमारे बीजेपी गवर्नमेंट के द्वारा। ये खबर एक और किसी बहन के द्वारा लिखी गई है कि हर रोज़ सिर्फ बजट पास हो रहा है, आंगनवाड़ियों का न तो प्रमोशन हुआ और न ही उनका मानदेय बढ़ा, और यूपी सरकार महिला सशक्तिकरण की बात करती है, कम से कम अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करें। जैसा कि पिछले कुछ दिन पहले, 2-4 दिन पहले एक खबर छपी थी, आंगनवाड़ी के लिए 269 अरब रुपए मंजूरी, राज्य मुख्यालय आंगनवाड़ी सेवा योजना विपरीत वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 269
लाख रुपए की मंजूरी दी गई है। इस संबंध में बाल विकास व पुष्टाहार विभाग द्वारा शासनादेश जारी कर दिया गया है। इस तरह का जो है बजट जारी होता है, लेकिन मानदेय में वृद्धि करने का कोई बात जो है कि सरकार द्वारा नहीं कही जा रही है। दूसरी खबर ये मध्य प्रदेश से निकल कर आ रही है, आशा एवं सहयोगियों को जीने लायक वेतन दो। 9 अगस्त 2021 को प्रदेश व्यापी चेतावनी, हड़ताल आशा व ऊषा आशा सहयोगी संयुक्त मोर्चा मध्य प्रदेश। ये मध्य प्रदेश से आशा बहनों के द्वारा जो है 9 अगस्त को चेतावनी दी गई है कि हड़ताल किया जाएगा देशव्यापी पर। के लिए आशा और आंगनवाड़ी बहनें ये समझ चुकी हैं कि सरकार बनने से पहले लंबी लंबी फेंक कर चले जाते हैं, जब सरकार बन जाती है तो आशा और आंगनवाड़ी बहनों के मानदेय के बारे में कुछ विचार नहीं किया जाता है। ये अब धरने के लिए हर ज़िले में ये समझ चुकी हैं और हर ज़िले में हर राज्य में धरना किया जा रहा है आंगनवाड़ी और आशा बहनों के द्वारा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन